बात करने वाले हैं कि आप लोग योनो एसबीआई ऐप में अपने एम पिन को कैसे रीसेट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि दोस्तों जब आप लोग अपना प्रोसेस करें, जब आप लोग अपने एम पिन को रीसेट करें या फिर चेंज करें, तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न या दोस्तों कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने योनो एसबीआई ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एम पिन डालना होता है या फिर आप लोग अपने लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम, आई मीन दोस्तों आप लोग यूज़र नेम से भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तो एम पिन से लॉगिन कर लीजिए या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और यूज़र नेम से लॉगिन कर लीजिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि आप लोग को अपने एम पिन को चेंज करने के लिए क्या करना है। आई मीन दोस्तों अगर आपको नहीं याद है कि मेरा पुराना एम पिन क्या था और हम उसको चेंज करना चाहते हैं या फिर रीसेट करना चाहते हैं, एक नया बनाना चाहते हैं बिना पुराना डाले हुए, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फॉरगेट एम पिन का। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक पॉपअप आपके सामने आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा इफ़ यू हैव फॉरगेट योर एम पिन यू मे रीसेट योर एम पिन बाई लॉगिन इन यूजिंग योर INB क्रिटिकल और देन गो टू सेटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहने का दोस्तों मतलब यह है कि आप लोग को यहाँ पे पहला स्टेप ये बता रहा है कि अगर आप लोग को अपने एम पिन को फॉरगेट मतलब भूल गए हैं और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, तो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कहने की दोस्तों यही मतलब है कि आप इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद अपने एम पिन को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है दोस्तों कि आप लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लीजिए और दूसरे स्टेप में क्या करना है, जब लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ पर आप एम पिन को चेंज भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए यहाँ पर हम लोग इसको ओके कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको ओके कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही पॉपअप आपके सामने आएगा जो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब उनका कहने का मतलब है कि आप लोग इसके थ्रू लॉगिन कर लीजिए, यो आपको दिखेगा नीचे यहाँ पे लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम। ठीक है, तो चलिए भैया इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप लोग अपना इंटरनेट बैंकिंग जो भी यूज़र नेम है और पासवर्ड भी भूल गए हैं, मान लेते हैं भूल गए नहीं याद रहा, तो इसके लिए अब क्या करें, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप भूल गए हैं, अगर आपको दोस्तों अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग का नहीं पता है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ रिशू ऑफ न्यू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स फॉर री इशू ऑफ द न्यू इंटर बैंकिंग पासवर्ड। आई मीन दोस्तों हम लोग अपना इंटर बैंकिंग पासवर्ड को क्रिएट कर रहे हैं, आई मीन दोस्तों नया बना रहे हैं, हम भूल गए हैं ऐसी कंडीशन में। और अगर दोस्तों आपको याद है तो ये दोस्तों करने की जरूरत नहीं, आप लोग अपना यूज़र नेम डाल के लॉग इन कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों कंडीशन इसमें ये आती है कि यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना होता है। तो अगर दोस्तों आप अपना सिर्फ पासवर्ड भूल रहे हैं तब तो अच्छी बात है कि यहाँ पर आप यूज़र नेम डाल के, और नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे चेंज करने के, दोस्तों दो तरीके से आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे दो तरीके लिखे हुए हैं, सेट न्यू पासवर्ड यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, या फिर आप लोग अपने ATM कार्ड नंबर और ATM पिन के थ्रू आप आसानी से अपने जो भी इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है आप उसको रीसेट कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपना यूज़र नेम भी नहीं पता है कि भाई हमारा यूज़र नेम क्या था, वो हमको नहीं पता है, अब उसको कैसे रीसेट करें या फिर कैसे हम जानें कि हमारा यूज़र नेम क्या था, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको अपने बैंक में जाना है, अपने जो भी कॉन्टेक्ट करना है अपनी ब्रांच बैंक में, और वहाँ पे जाके बोलना है भैया हम अपना इंटरनेट बैंक का जो यूज़र नेम था वो भूल गए हैं, हमको ज़रा बता दीजिए। ठीक है, वो आपको वहाँ पे तुरंत बता देंगे और आपको अपना यूज़र नेम वहाँ से लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब आपका यूज़र नेम मिल जाएगा, उसके बाद अपने ATM कार्ड के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू आप अपने जो भी इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है आप उसको आसानी से दोस्तों चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसी तरीके से अपने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे, और अगर आप भूल गए हैं, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं कि आपको अपना एम पिन को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कट करूँगा और आगे का प्रोसेस दोस्तों आप आसानी से दोस्तों इसी तरीके से कर पाएंगे, और अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको ये प्रोसेस लाइव करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं, और अब दोस्तों अगर आपको अपने एम पिन को चेंज करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे, आइए बताते हैं। यहाँ पे आपको चलना है सेटिंग रिक्वेस्ट में, जो कि आपको ये पहला ऑप्शन मिलेगा,
सिंपली आपको सेटिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, जो कि आपको ये मिल जाएगा, आपको सिंपली इसे पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेट एम पिन का, जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से देख पाएंगे, आपको सिंपली सेट एम पिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि इसके जो भी चीज़ें हैं वो आपको टाइम एंड कंडीशन वगैरह एक्सेप्ट हो जाएंगी, और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप यहाँ पे अपने सेट ए परमानेंट एम पिन ऑफ योर चॉइस फॉर योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने लॉगिन करते वक्त जो एम पिन आप डालते हैं उस एम पिन को आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आप अपना एम पिन भूल गए हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड भी भूल गए हैं तो वो भी आप रिसेट कर पाएंगे और उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे एम पिन को चेंज करना है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपसे ओल्ड वाला एम पिन नहीं मांगेगा, ठीक है, पुराना क्या था उसको आपको नहीं मांगेगा, यहाँ पे आप नया क्या बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मांग रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना न्यू एम पिन को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का आपको एम पिन सेट कर लेना है, और जो आपको ऊपर लिखना है वहीं दोस्तों आपको नीचे री एंटर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एम पिन एक डाल दिया है, और उसके बाद वहीं सेम आपको यहाँ पे री एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग ओटीपी को डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एम पिन। तो इस तरीके से आप अपने एम पिन को चेंज भी कर पाएंगे। दोस्तों आप इसी तरीके से अपने एम पिन को चेंज कर पाएंगे, और अगर आप उसको भूल गए हैं तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप वो भी पासवर्ड भूल गए हैं तो वो भी आपको चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया है। तो आप इसी तरीके से अपने एम पिन को चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। बट दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो, कोई भी आपका डाउट रह गया हो, आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।